एंड व्हाट अ मैच इंडिया मेड मेनी स्टेटमेंट्स हाउ डू यू सी को डेवास्टेट करके ही रख दिया कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है इंडियन टीम में तो आज तो वन साइडेड ही कर दिया क्या ये बांग्लादेश की वही टीम है जिसने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करा था टेस्ट मैच में आपने देख लिया और आज तो जो फेटा लगाया है लग ही नहीं रहा था सबसे पहले तो मैं सवाल ये करना चाहता हूँ बांग्लादेश के प्लेयर से कि ये जो मैच है ये आप इंडिया से खेल रहे थे या युगंडा से खेल रहे थे पहले तो मुझे ये बता दें तो आपको क्या जल्दी थी कि आपने होटल जाना था भारत ऐसे ही लग रहा है कि बांग्लादेश के आगे इस तरह है कि स्कूल बॉयज के अगेंस्ट खेल रही है और अगर मैं ये कहूं कि यू नो उनका भी इतना कसूर नहीं है जो सामने खेलने वाली टीम है आप वो भी देखिए वो कौन सी है वो भारत की टीम है अबे पांड्या ने तो छोड़ा ही नहीं किसी तरह जख्मी कर दिया मार मार के ऐसे भी कोई मारता है एक उसने धोया पकड़ के मतलब बल्ले बल्ले छोड़ के मारा ये हम किससे हार गए थे गौतम गंभीर के आने के बाद ये जो माइंडसेट नजर आ रहा है चाहे वो अभिषेक शर्मा है चाहे वो हार्दिक पांड्या है सूर्य कुमार तो खेलते ही ऐसे यू थिंक ये बेसबॉल की तरह T20 अप्रोच इनकी पक्की होती चली जाएगी कि कोई भी कैप्टन हो आए या जाए इनको फर्क नहीं पड़ता कोई भी कोच आए या जाए इनको फर्क नहीं पड़ता इनकी एक इनको पेपर मिल गया है कि यार ये गेम ही खेलना है एक लाइन ड्रॉ कर दी है तो उसी पे आपको खेलना है तो वही चीज आपको नजर आ रही है चेंज हो गए इंडिया ने क्रिकेट चेंज कर दिया जी अभी बांग्लादेश एपिटाइजर ही है यार सच्ची बात यह कोई मैच नहीं है अभी तो मेरा ख्याल है कि दूसरा मैच जीत के कोई और बच्चे हो तो उन्हें खिला दें जो बैटिंग लाइनअप इतनी तगड़ी इंडिया की उसके सामने अगर आप इतना कम टोटल देंगे तो भाई आप सारे मैचेस हारेंगे तो कोई मुकाबला ही नहीं है इस इंडिया की इस टीम का भी कोई बांग्लादेश की इस टीम का भी इंडिया से कोई मुकाबला नहीं इंडिया की टीम बहुत ऊपर है किसी भी टीम के अगेंस्ट खेलते हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं और T20 तो एक ऐसा फॉर्मेट है जिसके वो वर्ल्ड चैंपियन बने हैं माइंडसेट ऑफ गौतम गंभीर अब है किसी पे दम अच्छा फिर तो मुझे डर है महक यादव के सामने कोई मैच ना हो जाए इनका तो ना ही दरानों पे लटक गए इंडिया इज 100/100 और आज जैसे उसने परफॉर्म किया है भाई क्लैपिंग बनती है सैल्यूट्स बनते हैं उनके लिए जी ना तो छोरियां कम है ना छोरे दोनों तरफ से ऐसा ही चल रहा है लड़कियों ने पाकिस्तान को हराया चले हम फिर भी समझते हैं कि बिगेस्ट राइवल है आपस के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन को हराया था टेस्ट में इंडिया ने तो मैंने तभी कह दिया था कि इंडिया आप जीत जाएगा T20 पे क्योंकि उनका पहले कॉन्फिडेंस लो है पहले बैटिंग करती तो 250 मैं कंफर्म कहता हूं और एक सेंचुरी हमें देखने को मिलती जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि या तो स्काई की तरफ से होती या अभिषेक शर्मा की तरफ से तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि जो बुमराह है वो वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है इन व्हाट अ मैच इंडिया मेड मेनी स्टेटमेंट्स क्योंकि उनके टॉप टियर नहीं थी और वर्चुअली ये सेकंड एंड हाफ स्ट्रिंग आप कह लें एंड द वे उनकी डेप्थ नजर आई है उनके स्टॉक की अर्शदीप सिंह वाज ब्रिलियंट भाई बात सुने इंडिया उन्होंने ये इसमें से भी जो बेस्ट टीम बनती थी वो भी नहीं खिलाई उन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी को डेब्यू करा दिया मयंक यादव को करा दिया हाउ डू यू सी को डेवास्टेट करके ही रख दिया कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है इंडियन टीम में तो आज तो वन साइडेड ही कर दिया जब आपको सपोर्ट अच्छी मिलती है बोर्ड की तरफ से और उसके बाद कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है ट्रेनिंग ये नहीं है तो भागो और फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाओ 10 साल मेहनत की है BCCI ने जिसके बाद ये रिजल्ट उनको प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको पता है कि नेक्स्ट वीक उनका टेस्ट मैच है न्यूजीलैंड से रोहित शर्मा विराट कोहली जसवाल शुभमन गिल हो गए जसप्रीत बुमराह हो गए अक्षर पटेल हो गए कुलदीप यादव हो गए 8 प्लेयर तो यही हो गए जो कि वर्ल्ड कप का हिस्सा थे वो पार्ट नहीं थे वन साइडेड मैच जीत गए वो इसी तरह से नए प्लेयर्स को ग्रूम भी कर रहे हैं डेवलप भी कर रहे हैं गौतम गंभीर के आने के बाद ये जो माइंडसेट नजर आ रहा है चाहे वो अभिषेक शर्मा है चाहे वो हार्दिक पांड्या है सैमसन है सूर्य कुमार तो खेलते ही ऐसे यू थिंक ये बेसबॉल की तरह T20 अप्रोच इनकी पक्की होती चली जाएगी कि कोई भी कैप्टन हो आए या जाए इनको फर्क नहीं पड़ता कोई भी कोच आए या जाए इनको फर्क नहीं पड़ता इनकी एक इनको पेपर मिल गया है कि यार ये गेम ही खेलना है एक लाइन ड्रॉ कर दी है तो उसी पे आपको खेलना है तो वही चीज आपको नजर आ रही है दो ओपनर जिनको ओपन करना होता है वो आज नहीं थे जैसे शुभमन गिल को करनी है जयसवाल को करनी है रोहित को करनी है नहीं थे दो प्लेयर आए जो कि वर्ल्ड कप का हिस्सा थे विनिंग टीम का और बहुत ही कमाल थे हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव जो स्ट्रोक प्ले किया उन्होंने 200+ गेम के स्ट्राइक रेट रहा ठीक है रूटीन का मैच ये खेल सकते थे आराम से अपना खेल के निकल जाते हैं ठीक है सेटअप देखें माइंडसेट क्या चेंज किया है उन्होंने कहा हम कहाँ से बिलोंग करते हैं डिफरेंट लेवल के प्लेयर है तो हमें डिफरेंट लेवल अपना दिखाना ही पड़ेगा ठीक तो आज जो बैटिंग थी दोनों की डिफरेंट लेवल दिखाया अब वो माहौल बना दिया उन्होंने हायर एजुकेशन का एक सेटअप बना दिया उन्होंने क्रिकेट का यार ये हमारा सेटअप है इसमें जो होगा वो ये नहीं बोलते कि फिटनेस टेस्ट हो रहा है वो ये छोटी मोटी चीज है मयंक यादव के बारे में ये भी कहा गया है स्काई ने कहा है कि बहुत इसको केयरफुली हमें रखना पड़ेगा एक्सप्रेस फास्ट बॉलर आज भी वो 149.9 तक पहुंचा और पहला मेरे नोकर कर दिया जी क्या ख्याल है मयंक यादव को देख के आपको कैसा लगा कैटिंग बॉलर है 150 तक जो जाएंगे आराम से जाएंगे अभी तो वापस आए मोहम्मद अकरम भी याद आती है उनके बॉलिंग करने के एक्शन पे मोहम्मद अकरम भी काफी तेज थे लेकिन ये बड़े तगड़े बॉलर है मजा आता है इनको देखने में केयरफुल करना भी पड़ेगा इनको फर्स्ट क्लास खेलने सीजन एक खेलना पड़ेगा इनको वहां से सही बिल्डअप होंगे अच्छे अच्छे लंबे स्पेल करेंगे लोग ऐसे बॉलर टेस्ट मैचेस में चाहिए होते हैं क्योंकि बड़ा अच्छा रिलीज बहुत अच्छी है हाइट से मतलब रिलीज अच्छी है कमिट कर देते हैं कोई डेंजरस बॉलर हो सकता है तो अर्शदीप यार अब तो एक्सपीरियंस बॉलर हो ही गया ना 4 साल से टीम में और
हर जगह आउट करता है। क्या ये बांग्लादेश की वही टीम है जिसने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करा था टेस्ट मैच में, आपने देख लिया, और आज तो जो फेटा लगाया है लग ही नहीं रहा था। मतलब ये आईपीएल 11 है, इंडियन इंडिया की टीम नहीं है, इसमें जसपाल नहीं है, गिल नहीं है, अक्षर पटेल नहीं है, ऋषभ पंत नहीं है, और इस तरह फेटा लगाया 11 पॉइंट समथिंग बॉल्स में 127 की जगह 132 करे, वो भी छक्का मार के पांड्या। कोई बोले ना बोले, बासित अली तो बोलेगा ड्रीम डेब्यू, लेकिन ड्रीम डेब्यू अपना पहला ही ओवर मेडन 149.8 की पेस से, मयंक यादव का मेडन ओवर था, डर बिठाया उसने आज। अगर आप लोगों ने मैच दिखाओ, बैट्समैन सामने नहीं आ रहे थे, ऐसे ही थे बैकफुट पे। 39 करे 16 बॉलों में पांड्या ने, 5 चौके 2 छक्के, एक ही वाला शॉट भी बड़ा अच्छा मारा आज, देखा था। चेंज हो गई इंडिया ने क्रिकेट चेंज कर दिया जी, अभी बांग्लादेश एपिटाइजर ही है यार, सीधी सी बात है, सच्ची बात है, कोई मैच नहीं है अभी तो। मेरा ख्याल है कि दूसरा मैच जीत के कोई और बच्चे बच्चे हो तो उन्हें खिला दें। ये बिग बॉयज की क्रिकेट खेली है, दूसरी दुनिया को मैसेज दिया कि दैट्स हाउ बिग बॉयज प्लेज। पांड्या आ गया यार, ये पांड्या नहीं छोड़ना भाई, पांड्या नहीं छोड़ना। अबे पांड्या ने तो छोड़ा ही नहीं, किसी तरह जख्मी कर दिया मार मार के, ऐसे भी कोई मारता है, एक उसने धोया पकड़ के, मतलब बल्ले बल्ले छोड़ के मारा। अबे ये हम किससे हार गए, ये हम किससे हार गए थे। लेकिन एक बात है यार, ये हार्दिक पांड्या अब वापिस वही क्रिकेटर लग रहे हैं कुछ दिनों से जो वो शुरू में होते थे। जो तबाही फेरी और जो तस्कीन ने रिफ्ट लगाई यॉर्कर टांग पे मार के हार्दिक को अनसेटल करके, तो हार्दिक ने जो बजाई है अभी तस्कीन की, भाई पहचान नहीं लड़ा हार्दिक पांड्या से इंटरनेशनल क्रिकेट में। इंटरनेशनल क्रिकेट में रियल कंपेटिटर है हार्दिक पांड्या, जिस तरह से छक्के मारता है, पावर हाउस है ये भाई जो है, मतलब इसे बॉल भी क्विक दिखता है, फास्ट हैंड, फोर आर्म्स की पूरी ताकत, समटाइम्स आई फेल्ट के बॉल फाड़ देगा। पहला तस्कीन की तो फाड़ दी इसने, जबरदस्त आज बल्लेबाजी संजू सैमसन की, अभिषेक ने ट्राई किया बहुत जबरदस्त छक्के वक्के मक्के करा के उसने, जिस अंदाज से आज इंडिया ने बांग्लादेश को क्रश किया ना, हाल में यार यही तरीका होना चाहिए अपने से कम टीम को। अगर आप बांग्लादेश के अगेंस्ट जिस अंदाज से प्लेइंग 11 आज इंडिया ने अपनी खिलाई है वो भी जबरदस्त है। बैट स्पीड ऑफ हार्दिक पांड्या, माइंड सेट ऑफ गौतम गंभीर, अब है किसी में दम के एक आदमी हमारा टेपिया, टेपिया एक्सप्रेस जो है वो कब से क्रिकेट खेल रही है, एक आदमी ने आज पहला मैच खेला में ये, लेकिन डिसिप्लिन वाइज मतलब वो एक प्रोस्पेक्ट नजर आया, उसकी क्रिकेट पीछे पूरी नजर आई है, उसका होमवर्क नजर आया, उसको सिखाने वाले कोचेस अहल नजर आए। वो मयंक आज डेब्यू करके मेडन फेंक गए, ठीक है, फिर उसके बाद ब्रिलियंट उन्होंने बॉलिंग करी, ठीक है, छक्के भी पड़े, बॉलर को छक्के टी20 में पड़ेंगे, टेस्ट में पड़ेंगे, मुकाबला कौन करता है ये इंडियन क्रिकेट से। हां बांग्लादेश की हां कमजोर थी, 11 ओवर में 130 करके फेंक दिया यार। मैं ये कह रहा हूं कि बांग्लादेश की अगर कमजोर थी तो वो मजबूत टांगे थे। अब मुझे बताओ कि संजू था उसके अंदर, और कौन था, सूर्या था और हार्दिक पांड्या, बस और कौन, और किसने इतना खेला हुआ है बताओ मुझे, अभिषेक ने ज्यादा खेला हुआ है, ठीक है, नितेश ने ज्यादा खेला हुआ है। अबे पांड्या ने मौका ही नहीं दिया भाई, टांगे छोड़। पांड्या ने जो यू मारा वो हाईलाइट है, जो तस्कीन को शॉट मारा वो ताकतवर, वो गुस्सा है क्या, हां कराओ 144 की बॉल पे शॉट आर्म जेट जो मारा लास्ट में, वही जो पांड्या का खाता है। अच्छा ये तो मुझे डर है मयंक यादव के सामने कोई मैच ना हो जाए इनका, ये तो ना ही दराना पे लटक गए थे। किसी ने बोला कि भैया तुम, अबे ये पांड्या की बैट स्पीड ही देख लो तुम, सुबह टेस्ट मैच के लिए कि जब शॉट मारो तो इतना तेज बल्ला घुमाना है। भारत ऐसे ही लग रहा है कि बांग्लादेश के आगे इस तरह है कि स्कूल बॉयज के अगेंस्ट खेल रही है। बांग्लादेश जो है पाकिस्तान को हरा के गया है, व्हाइट वॉश करके गया है, लेकिन उसके बाद जिस तरह की क्रिकेट वो जहां जाके खेल रहे हैं वो तो स्कूल बॉय स्टफ है। भारत के दो मेन प्लेयर, दिग्गज प्लेयर जिन्होंने रूल किया है पूरी दुनिया में, विराट कोहली, रोहित शर्मा, वो चले गए हैं, अब वो भी मौजूद नहीं है। सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा की जो रिटायरमेंट के बाद वो कैप्टनसी कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी जो है एक यंग लॉर्ड के साथ भारत ने इसी तरह हराया है बांग्लादेश को पहले T20 में, कि जिस तरह कोई छोटे बच्चों को हरा रहा है। किसी भी टीम के अगेंस्ट खेलते हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं, और T20 तो एक ऐसा फॉर्मेट है जिसके वो वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। आज के मैच पे 127 रन पे जो है बांग्लादेश ढेर हो गया, और अगर मैं ये कहूं कि उनका भी इतना कसूर नहीं है, जो सामने खेलने वाली टीम है आप वो भी देखिए वो कौन सी है, वो भारत की। जैसे उसने परफॉर्म किया है भाई, क्लैपिंग बनती है, सैल्यूट्स बनते हैं उनके लिए, और डेब्यूटेंट देखे तो भाई दिल गार्डन गार्डन हो गया आज मयंक यादव। सीरियसली आई होप कि आप एक अच्छे रिकॉर्ड्स बनाए और अच्छे रिकॉर्ड्स ब्रोक करें। एंड सेकंडली वरुण की बात कर लें भाई, सीरियसली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। अर्षदीप सिंह, आज मुझे लगा कि अर्षदीप सिंह ने लीड किया बॉलिंग के अंदर, जिस तरह से 2 विकेट्स पहले, फिर जाते जाते भी विकेट निकाल के चला गया, उसको इतना गुस्सा था बांग्लादेश के ऊपर। और अगर यहाँ पे हम बैटिंग लाइन की बात करें तो बैटिंग लाइन बड़ी जबरदस्त देखने को मिली है, स्पेशली अभिषेक शर्मा की बात करें यहाँ पे, संजू सैमसन की बात करें यहाँ पे, आप सूर्य कुमार यादव की बात करें, क्या कहना चाहेंगे इनके वाले जिन्होंने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की आज? आज बैटिंग आई थिंक सो अटैकिंग मोड बहुत अच्छा था अभिषेक शर्मा का, विद द 228 स्ट्राइक रेट एंड 2 चौके लगाए, 1 छक्का लगा दिया, मतलब अगर रन आउट ना होते तो आज यही काफी थे बंगालियों को और थोड़ा दलील करने के लिए। बट उन्होंने कहा कि चलो
रन आउट हो गए हैं, दैट्स सो सैड। लेकिन उसके बाद संजू सैमसन बहुत अच्छा कर गए हैं, स्काई थे, बहुत बड़े बड़े नाम आया बैटिंग लाइन के अंदर। तो आई थिंक सो हैट्स ऑफ टू इंडियन टीम जो इतना अच्छा परफॉर्म करती है, उनके कोचिज को, उनके मेंटर्स को, उनकी मेंटेनेंस को, उनके बीसीसीआई को ये सारा क्रेडिट जाता है जो कि इतना अच्छा वो परफॉर्म करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, जो खतरे की घंटी इंडिया ने बजा दी है बाकी टीम्स के लिए, अलार्मिंग सिचुएशन है, क्या उनको इस लेवल की क्रिकेट सिचुएशन ये है कि उन्होंने बता दिया कि अगर रोहित और विराट और एक और प्लेयर इनके जो T20 से रिटायरमेंट ले चुके हैं तो हम पीछे बैठे हैं, हमें भी पता है कि अपने यंगस्टर्स को कैसे फॉलो करना है और उनके साथ परफॉर्मेंस कैसे करनी है। तो अब एक और डर बैठ गया कि भाई इंडिया का बेंच स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिस तरह से वो परफॉर्म करते हैं वो एक कमाल का परफॉर्म करते हैं। एंड आई थिंक सो इंडिया राइट नाउ है 5 teams ABCD जो कि अलग अलग मुल्कों में जाकर परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्या श्रीलंका, क्या बांग्लादेश, क्या अफगानिस्तान, दुनिया में क्या कहना चाहेंगे, कंसेक्टिवली उनकी जीत है। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ कि पहले टेस्ट सीरीज को जीता, फिर इसके बाद हम यहाँ पे बात कर रहे हैं T20 के पहले ही मैच में, जैसे उनको मुंह के बल गिराया है कि उन्हें दफन कर दिया, क्या कहना चाहेंगी? यार सुबह इंडिया ने भरड़ किया पाकिस्तानी वुमेन्स को दुबई के अंदर, और अब इन्होंने ग्वालियर के अंदर इनको चित करके रख दिया। तो आप खुद देख लेंगे इंडियन टीम कहां से कहां जा रही है, और हम संडे हमारा अच्छा कभी भी नहीं जाता, संडे को जब पाकिस्तान का मैच होता है इंडिया के साथ तब भी हम बेइज्जत होते हैं, आज भी हम लोग घूमे हैं। तो बट आई थिंक इंडिया को सीरियसली हैट्स ऑफ, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, मेरी जान।